सो आज अपने पास विंग्स फैंटम 205 और आप देख सकते हो कि मैंने गले में पहन रखा है, काफी ज्यादा कूल लग रहा है देखने में और फीचर्स किंग बोल सकते हैं इस नेकबैंड को, क्योंकि इसमें आपको सारे फीचर्स अवेलेबल मिल जाएगा जो भी एक नेकबैंड में होता है, जैसे कि 40 मिलीसेकंड्स का लो लेटेंसी का फीचर्स आपको यहां देखने को मिल रहा है गेम मोड के साथ, साथ ही में मैग्नेटिक ऑन ऑफ का फीचर्स आपको यहां देखने को मिल रहा है। आप इसे अलग करोगे तो ये ऑटोमेटिक ऑन होकर आपके फोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा और अगर आप इसे जोड़ोगे तो ये ऑफ हो जाएगा, बस आपको पहली बार इसे मैन्युअली ऑन करके फोन के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक होता है। अप्रॉक्स 5-10 सेकंड्स लगता है फोन के साथ कनेक्ट होने में और साथ ही में इसमें आपको कॉल वाइब्रेशन अलर्ट का भी फीचर देखने को मिल रहा है, जब भी कॉल आएगा तो ये आपको वाइब्रेट करके नोटिफाई करेगा कि कॉल आ रहा है, सिर्फ कॉलिंग के टाइम ही ये वाइब्रेट करेगा, नोटिफिकेशन और SMS का नहीं। और यहाँ पर आपको टच कंट्रोल देखने को मिल रहा है, कोई बटन वटन नहीं है, सिर्फ एक टच सेंसर इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, इसी से पूरा नेकबैंड कंट्रोल होता है। और साथ ही में इसमें आपको 5.3 का लेटेस्ट ब्लूटूथ देखने को मिल रहा है, सो कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं है, साथ ही में ASC ब्लूटूथ कोड भी सपोर्ट करता है। और सुनिए, इसके माइक में आपको ENC नॉइस कैंसलेशन का भी फीचर देखने को मिल रहा है, जिसमें हम लोग टेस्ट करके देखेंगे कि कैसा काम करता है इसका ENC नॉइस कैंसलेशन। लेकिन एक ड्रॉबैक भी है कि ये डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी सपोर्ट नहीं करता है और इनका कहना है कि आपको 50 आवर्स का म्यूजिक प्लेबैक प्रोवाइड करेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी मुझे ये सिर्फ 12 आवर्स का ही म्यूजिक प्लेबैक प्रोवाइड किया 80% वॉल्यूम में। और इसका चार्जिंग टाइम है अप्रॉक्स 70 मिनट 10 वॉट चार्जर से और 10 mm का डाइवर आपको यहां देखने को मिल रहा है फॉर बेटर बेस। साथ ही में IPX5 का वाटर रेटिंग भी ये लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसपे हम लोग वाटर टेस्ट करके देखेंगे सर्वाइव करता है या डेड हो जाता है। तो पहले देख लेते हैं अनबॉक्सिंग, बाकी की बातें बाद में करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और प्रोडक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। सो ऐसा दिखता है इसका बॉक्स, बॉक्स के ऊपर आपको विंग्स का लोगो देखने को मिल रहा है, साइड में फैंटम 205 को इन्होंने प्रिंट कर रखा है और यहाँ पर आपको विंग्स का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है और इस साइड इन्होंने अपने कुछ की फीचर्स को प्रिंट कर रखा है। पीछे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी इन्होंने की फीचर्स को ही प्रिंट कर रखा है और अगर आप नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर इन्होंने अपने MRP प्राइस को प्रिंट कर रखा है जो कि है 2,999 रुपीज, लेकिन आपको ये प्रोडक्ट अमेजन पे मिल जाएगा सिर्फ 1,200 रुपीज का। और कस्टमर केयर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को इन्होंने प्रिंट कर रखा है, जैसे इनका एड्रेस, जीमेल एड्रेस, फोन नंबर, को इशू होने से आप इन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सो चलिए अभी अनबॉक्स करके देख लेते हैं। सो इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस तो कुछ खास नहीं है, बहुत कुछ है बॉक्स में। सो ये है इसका यूजर मैनुअल जिसमें कुछ खास इन्फोनिया साइड रखते हैं और ये है वारंटी कार्ड। विंग्स आपको 1 ईयर का रिप्लेसमेंट वारंटी प्रोवाइड कर रहा है, इसे स्कैन करके आपको वारंटी रजिस्टर कर लेना है। और साथ ही में यहाँ पर आपको 3 एयर टिप्स देखने को मिल रहा है, सबसे छोटा एक्स्ट्रा लार्ज मीडियम साइज का नेकबैंड में लगा हुआ है। हुक का इस्तेमाल करने से आपके कानों से गिरेगा नहीं, काफी टाइट तरीके से कानों में फिट बैठता है। जिमिंग के टाइम या फिर रनिंग के टाइम आप इसका इस्तेमाल कर सक्थे हो। और यह है टाइप सी चार्जिंग केबल। सो अभी एक क्लोज लुक नेकबैंड की तरफ, और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको विंग्स का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है और इसके नीचे इन्होंने बैटरी फिट कर रखा है, कितने एमएएच का है इन्होंने कहीं पर भी शेयर नहीं किया है। पूरा शाइनी सरफेस आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, लेकिन मेटल नहीं है, प्लास्टिक है ये। और अगर आप दूसरी तरफ देखोगे और यहाँ पे कोई बैटरी नहीं है, सिर्फ सर्किट को ही इन्होंने डाल रखा है और यहीं पर ही वाइब्रेशन मोटर को भी इन्होंने फिट कर रखा है। दोनों साइड नहीं है, सिर्फ इसी साइड आपको वाइब्रेशन मोटर देखने को मिलेगा और यहीं पर इन्होंने अपने टच पैनल को फिट कर रखा है, जिससे पूरा नेकबैंड कंट्रोल होता है। और इन्होंने 2 माइक फिट कर रखा है, आगे वाला है नॉर्मल माइक और पीछे वाला है नॉइस कैंसलेशन माइक। और जैसे कि आप देख सकते हो इसका बेल्ट का क्वालिटी भी काफी अच्छा है, सिलिकॉन नहीं है लेकिन काफी ज्यादा सॉफ्ट रबड़ का इन्होंने इस्तेमाल कर रखा है, जिस वजह से आपको इचिंग और रैशेस का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। और काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल भी है, आप इसे फोल्ड करके अपने जींस के पॉकेट में इजीली डाल सकते हो, कुछ नहीं होगा, ईयरफोन्स को सेफ रहेगा। और इसके ईयरफोन्स का वायर का क्वालिटी भी काफी अच्छा है, काफी ज्यादा थिक है। और बड्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको मैग्नेटिक इफेक्ट्स देखने को मिल रहा है और इसका मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऑन ऑफ का फीचर्स है, तो अगर कमजोर होगा तो मतलब ऐसे ही पड़े पड़े ही ऑन हो जाएगा। सो ये फीचर्स काफी अच्छा है कि स्ट्रॉन्ग है, गलती से ऑन नहीं होगा आपका ईयरफोन। और पीछे के साइड इन्होंने मेटलिक फिनिश प्रोवाइड कर रखा है, आगे के साइड है प्लास्टिक, सो बड्स का लुक काफी अच्छा है। पीछे आपको विंग्स का ब्रांडिंग भी देखने को मिल रहा है, जिस वजह से जब आप इसे कानों में पहनोगे तो एक प्रीमियम और एक रिच लुक आपको रिप्रेजेंट करेगा। सब कुछ बढ़िया है, लेकिन अगर मेटल होता ना इसके नेकबैंड में तब तो बेस्ट होता है, इसका कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं होता ब्रो। सो अभी मैं आपको विंग्स फैंटम 205 का फंक्शन बताना चाहूंगा। सो इसके ऊपर आपको सिर्फ एक ही टच पैनल देखने को मिल रहा है, अगर आप सिंगल टैप करोगे तो आप सॉन्ग को प्ले पॉज कर सकते हो या फिर आप कॉल पिक कॉल एंड कर सकते हो। कॉल रिजेक्ट करने के लिए आपको 2 सेकंड टच एंड होल्ड करना पड़ेगा और कॉल नहीं आ रहा होगा तब आप 2 सेकंड टच एंड होल्ड करो, वॉइस असिस्ट ऑन हो जाएगा। गेम मोड ऑन करने के लिए आपको 5 सेकंड टच एंड होल्ड करना है और नेक्स्ट सॉन्ग के लिए आपको डबल टैप करना है, प्रीवियस सॉन्ग के लिए आपको ट्रिपल टैप करना पड़ेगा और वॉल्यूम अप के लिए आपको डबल टैप प्लस होल्ड करना पड़ेगा, वॉल्यूम डाउन के लिए आपको ट्रिपल टैप प्लस होल्ड करना पड़ेगा। वॉल्यूम अप डाउन को कंट्रोल करना स्टार्टिंग में थोड़ा इरिटेटिंग फील होता है, लेकिन आपका हाथ बैठ जाएगा तब आप इजीली वॉल्यूम अप डाउन को एक्सेस कर सकते हो। और अभी आप नेकबैंड का वेट देख सकते हो, ओनली 33 ग्राम, जो कि काफी ज्यादा लाइट वेट है। और इसके बड्स का वेट है ओनली 7 ग्राम, 3.5 ग्राम ईच। और अगर इसके कंफर्ट के बारे में बात करो, इसका कंफर्ट भी काफी ज्यादा सुपर है, आप इसका इस्तेमाल पूरा दिन भी करोगे ना तब भी आपके कानों में किसी भी तरह का आपको पेन महसूस नहीं होगा और आप इसे पहन के जिम करो, वर्कआउट करो।
आपके कानों से नहीं गिरेगा, ये काफी ज्यादा परफेक्ट तरीके से आपके कानों में ये फिट बैठता है। और इसके बर्ड्स का नॉइस कैंसिलेशन काफी ज्यादा बेहतरीन है, टेबल फैन के नॉइस को और सीलिंग फैन के नॉइस को पूरी तरह से काट देता है। जब आप सॉन्ग नहीं भी चलाओगे ना तब भी मतलब एकदम सन्नाटा हो जाता है, कुछ भी सुनाई नहीं देता है। अगर आप कूलर का इस्तेमाल करोगे तब कूलर का आवाज हल्का हल्का आपके कानों में जाएगा, सो इसका नॉइस कैंसिलेशन बाकी सारे एयरफोन के कंपैरिजन में थोड़ा बेटर है। और अगर इसके साउंड एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो कमाल का साउंड एक्सपीरियंस आपको यहाँ सुनने को मिलेगा। वोकल्स काफी ज्यादा क्लियर एंड लाउड है और ट्रिबल छनकार भी काफी अच्छा है, ओवर पावर नहीं है लेकिन बैलेंस ट्रिबल आपको यहाँ सुनने को मिल रहा है। कानों में ऐसा छनछन सा मारता है लेकिन कानों में चुभता नहीं है इसका ट्रिबल, सो इसका ट्रिबल काफी अच्छा लगा। और अगर बात करें बेस का तो भाई बेस इसका बहुत ही ज्यादा हाई पावर बेस आपको यहाँ सुनने को मिल रहा है, सर के ऊपर ऐसा बूम बूम सा मारने लगता है ना इसका बेस, सुनने में काफी मजा आता है। लेकिन यहाँ पर एक ड्रॉबैक भी है कि बहुत ज्यादा हाई बेस के चक्कर में वोकल्स का रिलिक्स कई बार आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल गया, सो ये चीज मुझे इसका पसंद नहीं आया। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा हाई बूम पंची बेस पसंद है, अगर आप बेस के दीवाने हो तब आप इसे खरीद सकते हो। और आप SBC ऑन करो, AC ऑन करो, गेम मोड ऑफ करो, ऑन करो, इसका साउंड एक्सपीरियंस सभी में सेम है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं हूँ कॉलिंग पे और कैसा है इसका माइक परफॉर्मेंस अभी आप सुन सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इसमें आपको ENC नॉइस कैंसिलेशन का फीचर देखने को मिल रहा है, तो चलिए अभी एक ENC नॉइस कैंसिलेशन टेस्ट भी कर लेते हैं। हे ड्रायर, सो अभी आप सुन सकते हो कि इस नॉइस में अगर आपको मेरा आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है तब तो ये बेस्ट है, आप इसे बेचकर खरीद सकते हो। माइक परफॉर्मेंस काफी बढ़िया आपको ये प्रोवाइड करेगा अगर आपको मेरा आवाज क्लियर सुनाई दे रहा होगा तो। और अगर आप बहुत ज्यादा ट्रैफिक में हो, और अगर आप बहुत ज्यादा ट्रैफिक में हो तब आप ऐसे माइक को अपने मुंह के पास लाके बात कर सकते हो। अगर आप मुंह के पास लाके बात करते हो तब आप सुनो कि कैसा है इसका माइक परफॉर्मेंस, कैसा ये आवाज पकड़ता है और इस नॉइस में आपको कैसा मेरा आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है। यानी आप सुन सकते हो मेरे बाल उठ रहे हैं, बहुत ज्यादा नॉइसी है ये हेयर ड्रायर। आपको कैसा मेरा आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है, यानी आप सुन सकते हो मेरे बाल उठ रहे हैं, बहुत ज्यादा नॉइसी है ये हेयर ड्रायर। सो दोस्तों जैसे कि आपने सुना कि इसका माइक एक्सपीरियंस बेस्ट है, आवाज को बहुत ही ज्यादा क्लियर तरीके से पकड़ रहा है और बहुत ही ज्यादा लाउड तरीके से पकड़ रहा है। और इसका नॉइस कैंसिलेशन भी सुपर है, बाहर अंदर यूज करने के लिए बेस्ट है ये नेक बैंड, सो आप इसे बेझिझक खरीद सकते हो। कॉलिंग एक्सपीरियंस कमाल का है इसका। आप देख सकते हो कि डिवाइस है फोन के साथ, और अभी आप ये देखो कि अंगूठा नीचे रहती आवाज आता है, अंगूठा ऊपर आने की बाद आवाज आता है। अगर अंगूठा नीचे रहती आवाज आता है तब तो इसका लो लेटेंसी बेस्ट है, ऊपर आने की बाद आवाज आता है तब साउंड का डिले है इसमें। अभी एनिमी का वेट करते हैं और क्या। सो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि इसका लो लेटेंसी काफी अच्छा है, लेकिन 40 मिलीसेकंड्स लो लेटेंसी नहीं, क्योंकि 40 मिलीसेकंड्स लो लेटेंसी का परफॉर्मेंस बेस्ट होता है, साउंड का डिले जरा सा भी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे साउंड का डिले है। तो मैं बोल सकता हूँ 60-80 मिलीसेकंड्स का लो लेटेंसी आपको ये प्रोवाइड करेगा। आप इसमें गेमिंग भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप प्रो गेमर हो मतलब गेमिंग ही जिंदगी है तब मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप इसे पहन के गेमिंग करो। हर एक मामले में देखा जाए तो बेस्ट है, कोई ड्रॉबैक नहीं है, भाई पे भरोसा करके खरीदो, पछताओगे नहीं आप। और इसमें आपको IPX5 का वाटर रेटिंग देखने को मिल रहा है, सो चलिए वाटर टेस्ट करके देख लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि डिवाइस है मेरे फोन के साथ कनेक्ट और सॉन्ग भी चल रहा है, आप सुन सकते हो। तो 30 सेकंड्स हो चुके हैं, अभी देखते हैं। आप देख सकते हो कि डिवाइस अब भी है मेरे फोन के साथ कनेक्ट और अभी देखते हैं सॉन्ग चल रहा है क्या।
सो जैसे कि आपने देखा कि ये मेरा वाटर टेस्ट सर्वाइव कर लिया क्योंकि मैंने जो वाटर टेस्ट किया इसमें कोई भी वाटर प्रेशर नहीं था। सो आप इसका इस्तेमाल जिम में वर्कआउट के टाइम या फिर बारिश में यूज कर सकते हो, लेकिन शावर में और स्विमिंग पूल में आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। और जींस के पॉकेट में डाल के आपको इसे वॉशिंग मशीन में भी नहीं डालना है क्योंकि उसमें होता है वाटर प्रेशर, तो ये खराब हो सकता है। सो थोड़ा बहुत वाटर रेजिस्टेंस है लेकिन वाटर प्रूफ नहीं है पूरी तरह से। सो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में।